रुको भाई, शांति बनाओ। आज टोल जाम नहीं किया, आज फाजिलका से दिल्ली जाने वाला, सिरसा दिल्ली जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम किया। टोल तो हमारे 20 किसान भी जाम कर देते हैं, फ्री भी करवा देते हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम किया और ये जब तक जाम रहेगा, जब तक सिरसा के 272 गांवों के किसानों का 641 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम 2022 का खरीफ का, जब तक उनके खातों में नहीं आ जाएगा। जी हमारी लगातार 15 दिन से हमारे 4 साथी टंकी पे हैं। उससे पहले 3 महीने नाथूश्री चोपटा तहसील परिसर में आंदोलन चला। भाई भरत है, दीवान है, नरेंद्र है, जयप्रकाश जी, हमारे चारों साथी मौत के मुंह में बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद 4 दौर की वार्ता हुई, कल शाम तक वार्ता हुई, लेकिन यहाँ के अधिकारी सक्षम नहीं है। सरकार को वहम है और यहाँ के अधिकारियों को भी वहम है। इस आंदोलन से किसान को उसका हक मिलेगा, इसके साथ में सरकार को उसकी औकात भी पता चलेगी और अधिकारियों को किसान की ताकत भी पता चलेगी, ताकि भविष्य में वो किसान के साथ ऐसा ना कर सके। ये तो हमारे सिरसा वाले भाई जागरूक है और आज हमारी जो CID सिक्योरिटी है, आज उसके भी रिपोर्ट फेल हुई है। कोई गिनती नहीं है किसानों की कि कितनी संख्या में किसान आए हैं। प्रशासन को यहाँ ये अपना लॉ एंड ऑर्डर दे करके मुस्तैद करते हैं। आज प्रशासन भी हमें भागने से भी दिखाई नहीं दिया कि प्रशासन के आदमी कहाँ घुसे हैं, कहाँ छिपे हैं। ये किसानों की ताकत है और हम सरकार को कहना चाहते हैं, आज आपको ताकत दिखाई भी है, लेकिन जब हम अपनी पावे ना, जब ही सरकार का समस्त बात पार हो जाए और आज इन्हें छुपना ठिकाना नहीं पा रहा, यदि यही हालात लंबे चल गए तो हर एक नेशनल हाईवे को हरियाणा के अंदर जाम करेंगे। कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जिसपे किसान ना बैठा हो। अब आप देख लो, कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अभी अगर कुछ बाकी है तो इससे भी आगे कुछ और करके दिखा।